पहुंचा सकते हैं। साल 2012 में युवाओं को लैपटॉप की स्कीम का वादा कर अखिलेश यादव ने यूपी की सत्ता का रुख किया था। इस बार लैपटॉप की जगह समाजवादी स्मार्टफोन ने ली है। अखिलेश सरकार इसी महीने से स्मार्टफोन बांटने जा रही है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन फोन जब ये योजना आरंभ होगी, वितरण आरंभ होगा, तब ये होम डिलीवरी के आधार पर होगा और हर स्टेज पर जब कोई भी उस पर रजिस्टर करेगा या उसके बाद जो भी इसकी स्थिति होगी, डिलीवरी की क्या डेट है, इसके बारे में SMS के माध्यम से हम लोग हर स्तर पर सूचित करते रहेंगे। इस स्मार्टफोन को समाजवादी नाम दिया गया है और आवेदन के लिए कुछ शर्तें भी हैं। मसलन इस साल आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक यूपी का निवासी हो, परिवार की सालाना आय 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आवेदक हाई स्कूल पास होना चाहिए, आवेदक के परिवार से कोई क्लास 1 या क्लास 2 शासकीय अधिकारी नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आप www.samajwadisp.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जाहिर है लैपटॉप के बाद स्मार्टफोन योजना ऐसी है जिसमें अखिलेश यादव को युवाओं का साथ मिलने की उम्मीद है। अखिलेश सरकार अब तक 15 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट चुकी है और विधानसभा